थैंक यू। एक्चुअली मेरे से पहले मैंने तो प्रोड्यूस किया, जो गाना बनाया वो तो आमिर अली बनाया, पहले आमिर अली को बोलना चाहिए, बाद में आप बोलूंगा, ठीक है। सर आप कैप्टन ऑफ द शिप हो, आप बोलिए पहले सॉन्ग के बारे में। तो ये जब हमने सॉन्ग बनाया था तो हमने डिसाइड नहीं किया था कि कब रिलीज होगा क्या होगा, और बहुत खूबसूरत गाना बनाते हैं और मैम की जो वॉइस है, हम ये सोच के बनाते हैं इनको दिमाग में रख के क्या बनना चाहिए, कितनी सोलफुल वॉइस है इनकी, तो हम ऐसा क्या बना सकते हैं जो लोगों के दिल को छुए। तो बहुत लकी हूँ मैं कि इनके साथ काम करने का हमेशा मौका मिलता है, और इतनी प्यारी आवाज़ है, आप सबने तो सुना ही अभी, कैसी लगी आप सबको? तो बस ऐसे ही प्यार करिए, हमारे सॉन्ग को सपोर्ट कीजिए आप लोग, और ऐसे बहुत से सॉन्ग्स और सुनने मिलेंगे आपको, ऐसे खूबसूरत लव सॉन्ग्स। थैंक यू लैला जी फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग। हमारा जो आने वाला सॉन्ग है बस तेरा, वो 16 तारीख में रिलीज होगा, वो कंपोज किया राजा अली खान, और राजा अली खान को हम दे रहे हैं माइक। गुड इवनिंग, सबसे पहले तो मैं जय मंडल जी का शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने अपने साथ काम करने का मौका दिया, और ये भी गाना बहुत खूबसूरत हुआ है, लैला जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से गाने को गाया है और बहुत प्यारी आवाज है इनकी, और मुझे उम्मीद है कि ये सॉन्ग रिलीज होने के बाद लोगों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अभी तो लैला जी को बोलना है, मैंने जो बोलना है बाद में, जो हमारा वीडियो डायरेक्टर उसको लास्ट में वीडियो कैसा बनाया बाद में बोलेगा वो। गुड इवनिंग एवरीवन, एक्चुअली ये गाना बहुत ही सोलफुल है, आमिर अली जब मेरे को भेजा था ये गाना सुन के, मेरे को एक बार सुन के पसंद आया था कि मैं इसको, एक अलग माहौल का गाना है, जैसे को सोल, मेरे को भी अपने सोल पे लगा था ये गाना, तो मैंने तो गा दिया गाना अभी, वो म्यूजिक डायरेक्टर बोला अच्छा है, तो मैंने, मेरा जो डायरेक्टर है म्यूजिक वीडियो बनाया है कुणाल जी, उसको भी बोला कि ऐसे उसको रंग लाना है, निखार लाना है कि जैसे वीडियो के साथ साथ जो सॉन्ग है वो लोगों के दिल तक पहुंचे, तो उसने कोशिश किया, हमने भी कोशिश किया, आगे आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे को चाहिए कि आगे आगे मैं बहुत भी, बहुत गाना है मेरे झोली में, और भी आपको सुना सकूं, तो मैं कुणाल जी को ये दे रहे हैं कि बात करें। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा सॉन्ग, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग सुना था, मैम ने कहा कि मुझे इसके लिए कुछ ऐसी स्टोरी चाहिए जो मतलब सॉन्ग से टच करे और उसमें वो फील आए जो मैम ने लाइन्स में कहने की कोशिश की है। तो हालांकि मैं खुद काफ़ी सॉन्ग्स की स्टोरी लिखता हूँ, बट मुझे लगा कि ये सॉन्ग थोड़ा मतलब मेरे लेवल के बाहर जा रहा है, तो मैंने इसके लिए एक अपने स्क्रिप्ट पे राइटर को हायर किया था, मेरा फ्रेंड है किशोर राणा, उससे हमने इसकी स्क्रिप्ट लिखवाई, और फिर उसने बताया कि इसके लिए मतलब जो ये सॉन्ग का फील है ना एकदम, वो अलग ही कुछ जोन का है, तो उसने कहा कि इसे कहीं मतलब वादियों में शूट करना चाहिए हमें, तो बस फिर मैंने सर को ये बात कही कि सर इसको कहाँ कर सकते हैं, तो सर ने कहा आ जाओ सिक्किम में, हमारे पास एक से एक लोकेशन है, तो बस फिर हमने इसको सिक्किम में इस तरह शूट किया, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा मॉन्टेजेस दिए हैं वो मतलब ब्यूटी दिखाने के लिए, इस सॉन्ग की स्टोरी आपने देखा पीछे चली रही है, तो बस यही हमारी मेहनत थी, अब आप इसे प्यार दीजिए। हाँ, और दूसरा भी हमारा हिस्सा था, दूसरा हमारा सॉन्ग आ रहा है बस तेरा, जो 16 तारीख को रिलीज हो रहा है, और उसका जोनर भी ब्यूटी से रिलेटेड है, क्योंकि हमने वहां पर सॉन्ग शूट किया था, दो सॉन्ग शूट किया था, और दो आने वाले हमारे नेक्स्ट मंथ में, तो इसमें जो लोकेशन है इससे पूरी अपोजिट है, हालांकि वादियों के पूरे पहाड़ हैं और वहां का जो एटमोसफियर था पूरा वो सब लिया है हमने, बट इससे पूरा अपोजिट, जैसे इसमें आपने देखा जो पहाड़ है वो बर्फ वाली पूरी पहाड़ है, माउंटेन है, और उसमें हमारे पूरे जो पेड़ ग्रीनरी दिखाई गई है उसमें, तो बस यही था साहब, बाकी सर आप बताइए आपके सॉन्ग के बारे में। एक्चुअली जी भी आने वाला है बहुत सारे सॉन्ग, ज्यादा जी आएगा अभी, और मेरा पास स्टॉक है अभी नियर अबाउट 40 सॉन्ग स्टॉक है, तो लगभग विद इन 2 मंथ 20 सब तो आ ही जाएगा, आपको भी बुलाएंगे,
उस टाइम पे सभी को अलग अलग सॉन्ग है। तो अभी राजा जी बोलो और कुछ बोलना है तो, कैसे बनाया तुम, कैसे आगे हो, कैसे काम कर रहा है, आगे का कैसे सॉन्ग कैसा होगा बोलो। आगे के भी गाने बहुत अच्छे होंगे और गाने बन रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है और हमें कोई उम्मीद है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और अच्छा काम करते रहेंगे, लोग पसंद करेंगे और हमें कोशिश जारी है और जारी रहेगी। आप सबका प्यार चाहिए, थैंक यू सो मच। जय भाई का प्यार चाहिए, ऐसे ही काम देते रहें और हम ऐसे ही काम बनाते रहें, अच्छे अच्छे गाने लैला जी के साथ काम करते रहें, क्योंकि लैला जी की बहुत यूनिक वॉइस है, अभी तक समझ लीजिए इंडस्ट्री में ऐसी वॉइस नहीं आई है और एक बॉलीवुड में एक नया वॉइस मिलने जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। कुणाल भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा वीडियो बनाया है कि ऑडियो और वीडियो कानों के साथ और नजरों का दोनों का जो ख्याल रखा गया है तो बिल्कुल उसके बगैर कुछ भी नहीं है जो चल रहा है। और आपने बहुत अच्छा शूट किया, हमने भी कोशिश करी कि गाने अच्छे बन जाए, तो थैंक यू सो मच और दुआ की दरख्वास्त है आप सभी लोगों से। लग रहा है काम करने से सभी का साथ, राजा है, आमिर है, आर पीछे बैठा है, बॉब है, उसका साथ भी काम किया मैंने, मैंने मेरा साथ किया उन्होंने, वो है कुणाल है, आजाद है जो डीओपी, बहुत अच्छा डीओपी है, बहुत ही किया, कोई इक्विपमेंट का प्रॉब्लम था बाहर में वो भी मैंने थोड़ा कष्ट करके वो लेके लेके वो गिम्बल उस टाइम ना कुछ भी बाहर में प्रॉब्लम है वो किया। और हमारा पास तो बोल ही दिया वो भाई सब सामने है, वो बोला वाह 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 40 सॉन्ग मेरा पास स्टॉक है अभी तक, ठीक है अभी थोड़ा एडिट बाकी है, कुछ कुछ सॉन्ग एडिट करने का बाद में सामने आ जाएगा। मैंने तो चाहता है जो मेरा पास एक्स्ट्रा स्टॉक हो, मुंबई का ज्यादा स्टॉक मेरा पास हो। सभी लोग आके मेरे को पूछे थे क्या भाई आपका क्या सॉन्ग है, दे दो हम वीडियो करना है मेरे को, यही तो हम चाहता है और क्या है बोलो। गानों से पहले एक काम करते हैं, आप सवाल तो पूछिए पर मैं चाहती हूं कि दो लाइन यहां पे गा दें, उसके बाद आप अपने सवाल स्टार्ट। हां हां माइक दे दो, 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 आंखें नम है शायद उस मुसाफिर का करम है, ये करम है थोड़े बेजार आज है हम तेरे तलबगार, आज है हम क्यों दे गया तू ये जख्म, शाम से ही मेरी आंखें नम है, आंखें नम है। अमेजिंग ललित जी, आप अपने बारे में बताइए, शौक हुआ था भैया किसे पूछना भाई? एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने शुरुआत किया और मैं जिनसे गाना सीखी वो एक ब्लाइंड पर्सन थी, वो आँखों में देख नहीं सकती, लेकिन सबसे प्यार स्टूडेंट मैं ही था, तो वो मेरे को ज़्यादातर टाइम देता था क्योंकि मैं गाने का बहुत सीखने का बहुत मेरा ये था। तो मैंने मेरे को बोला था पहले टाइम के तुम क्या सर्टिफिकेट लेना चाहती हो, कोई कोर्स कंप्लीट करना चाहती हो ना सारा किताब पढ़ना चाहती हो? तो मैंने बोला सर दोनों में फ़र्क क्या है? बोले देखो जैसे परीक्षा होता है हर क्लास का जो क्वेश्चन आंसर होता है वही सिखाएंगे, तुम एक सर्टिफिकेट लोग के शादी के टाइम काम आएगा कि तुमने संगीत जानते हो। तो मैंने वो नहीं जानना है, बे संगीत का टोटल हमको जानना है कि क्या है। तो उसने बहुत अच्छे से सिखाया, तो अभी मेरा गुरु नहीं है इस दुनिया में, तो उसका आशीर्वाद मेरा मेहनत ही मेरा कामयाबी का श्री है। और 5 साल मैंने बंद किया था गाना, फिर मेरा इंस्पायर मेरा हस्बैंड ही है मिस्टर जय मंडल, तो वही बोलता है कि तुम आगे बढ़ो, उसका इंस्पायर उसका सपोर्टिंग ही मेरा सब कुछ है। मैं तो गाती हूँ लेकिन अभी जो दौर चल रही है कि खूब गाने से अच्छा नहीं हो, अच्छा गानों
गाने होएगा तो होगा नहीं, लेकिन उसका वीडियो अच्छा होना चाहिए। तो सबका मेहनत, हम लोग पूरा टीम गया था, टीम गया था सिक्किम में, इतना बारिश हो रहा था। फिर कुणाल जी को मैंने बोला कि हम शूट नहीं कर पाएगा, क्या होगा, ये इतना लोग आया है। फिर एक आदमी का बैग भी चोरी हो गया शूटिंग के टाइम, वो बहुत ये था, उसका पासपोर्ट, उसका वोटर आईडी कार्ड वार्ड सब चोरी हो गया था। तो बोला चोरी होने दो, लेकिन ये शूट करना ही हमको, वो तो मिल जाएगा जीडी करने से। तो बहुत घटना घटी, लेकिन अच्छा ही हुआ। अभी सब सबको अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा कॉमेंट लिख रहा है कि और भी गाना सुनना चाहते हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को हौसला बढ़ रही कि आगे जाके मैं और भी अच्छा अच्छा गाने सबको दे सकूँगी और अच्छा गाना गा सकूँगी, यही मेरा उम्मीद है। Yes, sir, what about you? I mean, how did you started out this creative journey as a producer? Is this your first music video or before that? No. This is not first video. How did you start? We have done lots of videos. Lots of. This is not first video, lots of videos. हाँ, तो about your journey as शुरुआत क्या है? शुरुआत तो एक्चुअली मेरे को लगा जो कुछ करना है वो सिंगर बैठा है तो बंद कर दिया सिंगिंग। तो मेरे को लगा ठीक है, हम स्टार्ट करेगा तो उसका भी ये आएगा जो हम भी सिंगिंग कर स्टार्ट करूँगा। फिर मैंने स्टार्ट किया, दूसरा को लेके स्टार्ट किया। फिर इसके लिए 5 साल लगे थे मैडम का, 5 साल के बाद 5 साल लगे आपको सोचने के लिए? नहीं, मेरा सोचने का 5 साल नहीं लगा एक्चुअली, पर्सनल प्रॉब्लम है, 5 साल नहीं लगा मेरा फैमिली टाइम था उस टाइम पे। म्यूजिक का टाइम 5 ईयर्स के बाद आया। पहले हम लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे उसको हम यूटिलाइज करेंगे, उस प्लान को, प्लान सी होती ना हर चीज़ें, तो हमने अच्छा प्लान किया और आज आप देख रहे हो उसके सामने रिजल्ट, हम जी म्यूज़िक से आ रहे हैं, हम सूफी स्कोर के लिए भी बना चुके हैं काफ़ी सॉन्ग्स। तो प्लान लगता है थोड़ा, 5 साल बैठ के हमने फिगर आउट किया हमारा क्या चलेंगे। रिलीज हुआ हमारा खुद का एक चैनल है, 30 सॉन्ग रिलीज हो चुका है, तो उसमें काफ़ी 30 सॉन्ग्स है उसमें, नॉट जी एक्सेप्ट जी या लैला डी सोल, आप देख रहे हो यहाँ बैनर है, तो ये हमारा एक चैनल है, तो इसमें काफ़ी गाने आपको मिलेंगे, मेलोडीज़ और आइटम सॉन्ग्स भी है काफ़ी। फिर उसके बाद हमने ट्राई किया कि और जगह पब्लिश करें ताकि वो अच्छे से फिर लोगों तक पहुँचे ना, जितनी रीच बढ़ेगी उतना अच्छा होगा। तो ऐसे आप लोग प्यार देते रहो, उसे फैलाते रहो। आप कैसे बोल के आए, कैसे आप? नहीं, वो मेरा फैमिली लाइक फैमिली रिलेशनशिप हूँ, कैसे बोलता है वो सब जानता है। हम बस जर्नी में साथ रहो ना पूरा, तो सारी मुझे वाकिफ हूँ हर चीज़ से। साथ में शुरू किया हम सबने, फर्स्ट सॉन्ग हमारा आया था जग सारा, उसके भी अराउंड 1.5 मिलियन हो चुके हैं व्यूज़, और एक हमने किया था तू है मेरी, वो अराउंड 2 मिलियंस, उसके 2 मिलियन प्लस व्यूज़ है। तो अब यहाँ पे भी 1 मिलियन हो जाएगा आज रात तक शायद, जिस तरीके से जा रहा है। कितने झोली में गाने आए हैं सरने का? 40 ऑलरेडी है वह है स्ट्रांग झोली में आपके गाने हैं, मतलब है बहुत लोग करते हैं साथ में। इसमें राजा अली जी का भी म्यूज़िक रहता है और भी कंपोजर्स रहते हैं, मेरे भी कुछ गाने रहते हैं, सब टीम वर्क है, जो अच्छा काम करेगा वो इनके साथ जुड़ेगा। एट द एंड हमें प्रोडक्ट अच्छा देना है, तो वही कोशिश रहती है। गाने ऑलरेडी कंप्लीट हैं या अभी शूट? नहीं, कुछ सॉन्ग्स कंप्लीट हैं, किसी कुछ अभी रिलीज़ होने वाले हैं और कुछ बनाने। और ये गाने आपने अपने चैनल पे डाल के रखे हुए हैं फिर बाद में? नहीं, ये तो जी म्यूज़िक से था ना, आपने लोगो देखा होगा वहाँ पे डाल चुका हो, तो हो गया फ्रेश सॉन्ग बचे हुए अभी, इसके वीडियो बनने बाकी हैं। तो ये शाम तक आ गया, आप सुबह तक कब आएगा? सुबह तो आएगा परसों, शाम के बाद फिर रात भी आएगी ना, उसके बाद सुबह आएगा, सुबह ही नहीं सुबह बाद में आएगी, उससे पहले रात आएगी और शाम भी है, अभी रात बाकी है ना भाई। व्हाट इज योर ड्रीम अहेड? आई मीन व्हाट डू यू वांट टू डू इन द इंडस्ट्री? यू वांट टू वर्क ओवर हियर और व्हाट्स योर ड्रीम? ड्रीम तो बहुत कुछ है, तो अभी तो सॉन्ग लेके काम कर रहा है, तो अभी बोला ना मैंने जो 40 सॉन्ग मेरा स्टॉक में है अभी है, रिलीज़ नहीं हुआ, कुछ कुछ सॉन्ग शूट हुआ, एडिट नहीं हुआ। अभी तो चाहता है मैंने जो इतना स्टॉक करे जो मुंबई का पास किसी के पास इतना सॉन्ग नहीं रहे, यही मेरा ड्रीम है। सही बात, यही मेरा ड्रीम है और यही गोल है। सोलो गाने हैं के साथ, डुएट भी आ रहा है, कृष्णा बेरोवा जी ने एक गाना गाया, डुएट भी है काफी, कृष्णा बेरोवा के साथ है, डुएट भी आ रहा है। कौन कौन सिंगर है साथ में? कृष्णा है और उनका क्या राजा जी उस सिंगर का, वो जो एक लड़का गया मैक्सिमम स्लो है सोलो मैक्सिमम। मेरा अभी जो है अभी इंस्पायर, मैं एक ही गाना सुनती हूँ हर रोज़ कोविड के बाद, वो है आबिदा परवीन जी का गाना मैं सुनती हूँ। वाह, वो सोलफुल है, बहुत सीखने को है कि रू तक जाता है उसका गाना,
हमको पॉपकॉर्न वाला गाना अच्छा नहीं लगता है, जो रूह तक जाता है, जो सुकून मिलता है, वही गाना सुनना चाहिए सबको। मैं अभिता जी का गाना भी दो कवर किया हिम्मत करके, सभी ने प्यार दे रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। बहुत सिंगर के साथ हम डुएट गाया है, बहुत प्रोग्राम किया सोनू जी के साथ, कुमार शानू जी के साथ, उदित जी के साथ, शान के साथ, अल्ताफ राजा है, सभी के साथ स्टेज प्रोग्राम किया है, बहुत बहुत। बात करिए शाम से बताएंगे सब कुछ के बारे में। जी बताइए, क्या बताएंगे शाम से सूर्य के बारे में, इस तरह स्क्रिप्ट की गई और कहानी कैसे, क्या कहानी है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट मैंने अपने फ्रेंड से लिखवाई थी, किशोर राणा से। ये स्क्रिप्ट ऐसी है कि एक लड़की है और वो एक लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, प्यार करती है, और उसका सडनली एक लेटर आता है उससे कि मतलब उसे ट्राई कर रही थी कहीं बाहर जाने के लिए जॉब के लिए, और उसका अप्रूव हो जाता है, उसे लेटर आता है कि आपकी जॉब लग गई, और वो लड़के को दिखाने जाती है कि मेरी लग गई है, मैं जा रही हूँ बाहर, बट वो लड़का उसे इतना इग्नोर करता है, वो आपने देखा जिस तरह से गाने में बार बार लड़की उसके पास जा रही दिखाने, बट वो उसे हर बार इग्नोर करता है, तो ओवरऑल लास्ट में वो उसे फिर छोड़ कर निकल जाती है, मतलब टाउन छोड़ कर वहाँ से निकल जाती है जॉब के लिए। पीछे दौड़ लगा था, रहता था पहले आया तो लिया नहीं, बाद में दौड़ लगा था। और बस्तरा जो आने वाला है उसका क्या क्या? बस्तरा की स्टोरी है गाने के साथ, लेकिन पहले बस्तरा तो एक मतलब कपल की कहानी, कपल हैं वो गए हैं कहीं, जिस तरह से आते आप देखते हैं मनाली में जाते हैं, शिमला में जाते हैं हनीमून के लिए, तो बस इस तरह से हमारे कपल गए और वहाँ पर घूम रहे हैं, इन्जॉय कर रहे वेदर को, उसका कोई इतना स्टोरी नहीं, बस चिल। सिक्किम मनाली यहीं पर शूटिंग करती है? हाँ नहीं, हमारा पूरा सिक्किम ही हुआ, अराउंड सिक्किम, मनाली में गए नहीं, बट बता रहा हूँ वहाँ पर जाते हैं ना कपल्स हनीमून के लिए, इस तरह से नेक्स्ट शूट प्लान किया हम लोग गोवा में, नेक्स्ट शूट हाँ मनाली में। हालांकि अभी हमारे सिक्किम के दो सॉन्ग और आ रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा 8 सॉन्ग और हैं वो भी कम्प्लीट है, उनका एडिट चल रहा है, वो भी 2 से 3 महीने में सारे रिलीज हो जाएंगे। सारे गाने रोमांटिक सॉन्ग है सर की, या फिर रोमांटिक है, सूफी भी, सूफी सूफी भी है, पार्टी सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी आ रहा है। वो सब बताइए अपने गाने के बारे में। राजा जी बस गाना तो सभी रोमांटिक है और अच्छे गाने हैं, गाने बहुत अच्छे बने हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप जोड़ी में कितने, आप कितने जोड़ी में गाने हैं? मैंने उनके करीबन 7-8 गाने अभी तक किए हैं, और आगे भी जो कंपोजिशन है बनाते हैं, सुनते हैं, अप्रूवल का मिलता है, फिर हम आगे काम करते हैं। अब्दुल ऐसा लगा कि कास्ट से गाना मुझे मिला, मुझे मिला, मैं हुआ दोनों में? नहीं, बिल्कुल म्यूजिक कंपोजर है ना, तो अलग बनाते हैं कंपोजर, एक्चुअली एक थॉट, जब एक थॉट मिल जाता है कि जब हमें सूफी बनाना है तो हम सूफी में घुस जाते हैं, वो हमें पूरा राग रीत उसी में जाना पड़ता है। रोमांटिक बनाते हैं तो रोमांटिक में घुस जाते हैं, तो उस तरीके का अगर थॉट क्लियर हो जाता है कि हमें रोमांस बनाना है तो हम रोमांस में घुस जाते हैं। हमें भाई सैड वर्जन बनाना है, दर्द वाले गाने, तो हम उसमें हमको जैसा रेफरेंस मिलता है उस हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से, जैसे सेट की अगर, और एक ही तरीके से नहीं चलना है, मतलब सारे अलग अलग तरीके के गाने देंगे तो लोगों तक ज़्यादा गाने पहुँच पाएंगे। थैंक यू। मैं मेहनत करके गा रही हूँ, आप लोग सब मेरे को प्यार दीजिए, आप लोग आज आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि आप लोग भी शेयर करेंगे तो और भी फैलेगा मेरा वॉइस, तो जजमेंट अभी जो है पब्लिक ही जजमेंट करता है, तो जजमेंट करने वाला वो है, हमने कोशिश की है, कोशिश हमारा काम है कोशिश करना, मेहनत करना, बाकी अच्छा बुरे का फैसला तो हमारी जनता करेगी, तो जनता करेगी, बस उसी का इंतजार है कि इसका क्या हमें सिला मिले। हाँ अभी रिलीज नहीं हुआ ना, अरे एक आबिदा का जो उसका फॉलो करता है उसका सॉन्ग सुना दीजिए, तो रिलीज नहीं होता है क्योंकि 16 तारीख को बस्तेरा रिलीज होगा, तो मैं चाहती हूँ उस दिन ही आप इतना प्यार दीजिए, अभी से मत सुनिए। आबिदा जी का एक सॉन्ग बताए, वो 2 लाइन गाइएगा। फरियाद करो तेरे दर पे मौला, फरियाद करो तेरे दर पे मौला, इतना मुझको दे दिया तेरा मौला शुक्रिया, सुन ले मेरी इल्तिजा।
फरियाद करो